मध्य प्रदेश में शुरू हुआ राजस्व महाअभियान, सीएम के निर्देश पर 1.25 लाख मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक यह अभियान चलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान शुरू हुआ है और जिन लोगों की समस्या है अपनी जमीनों को लेकर, अब सीएम के निर्देश पर 1.25 लाख मामलों का निपटारा किया जाएगा। तो लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामलों का निराकरण किया जाएगा और 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक फसल डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। तो साथ ही किसानों के खेत पर जाकर फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन की जाएगी। तो कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम इसका दौरा करेंगे और पटवारी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज में सर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूरज, एमपी में राजस्व महाअभियान शुरू किया जा रहा है, इससे आम लोगों को फायदा होगा, अब उनके कई जमीनी विवाद के मामले जो हैं उनको निपटाया जाएगा, तो इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्व महाअभियान शुरू किया जा रहा है और ये राजस्व महाअभियान तो 1 अगस्त से 15 सितंबर तक फसल डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के खेत पर जाकर फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन की जाएगी और कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम इसका दौरा करेंगे। ठीक है सूरज, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्व महाअभियान शुरुआत की 2.0 की शुरुआत हो रही है और इस अभियान के तहत जो है किसानों को सबसे बड़ी राहत अगर मिलेगी तो किसानों को मिलेगी। जो जमीन बंटवारा है, जमीन की जो चीज़ लगातार जो जमीन विवाद है उसे सुलझाया जाएगा, जो नक्शे हैं उसमें सुधार कराया जाएगा और बड़ी बात इसमें यह है कि जो कमिश्नर होंगे, कमिश्नर के साथ कलेक्टर, एसडीएम और पटवारी होंगे, वो अपने मुख्यालय में होंगे। खासतौर पर कलेक्टर वगैरह को जमीनी रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी कि ये अभियान में किस तरह सफलता मिल रही है और जल्दी निराकरण हो, जो भी ये मामले हैं जमीन से जुड़े मामले हो उनमें जल्दी निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि पीएम सम्मान निधि के जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, जो लाभ लेना चाहते हैं उनको उस दायरे में लाया जाएगा, मतलब जो पात्रता के दायरे में आना चाहते हैं उन्हें लाया जाएगा। और निश्चित तौर पर यह 2.0 की शुरुआत हो रही है और कोशिश यही रहेगी कि जैसा पिछली बार सफलता, क्योंकि जनवरी में पिछली बार शुरुआत हुई थी और पिछली बार पूरी तरह से ये जो अभियान है सफल हुआ था, तो इस बार अब देखना होगा कि इसकी जब रिपोर्ट देंगे कलेक्टर, क्योंकि जो अधिकारी हैं ये रिपोर्ट भी देंगे, हर दिन की रिपोर्ट देंगे, तो पता चलेगा कितना अभियान ये सफल हो पा रहा है। बिल्कुल सूरज, तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये अभियान किस तरीके से सफल हो पाया और लोगों के अंदर भी एक खुशी की लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं अपनी जमीनी विवादों को लेकर। तो अब लोगों के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी खुशखबरी। तो फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए सूरज, आपका शुक्रिया।